पनीर की सब्जी हमारी फेवरेट सब्जियों में से एक होती है। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पालक पनीर, मटर पनीर, ये सब्जियां तो आपने कई बार खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर की एक स्पेशल रेसिपी, कश्मीरी पनीर। कश्मीरी पनीर कश्मीर की एक बहुत ही फेमस सब्जी है, जिसे मैंने अपने कश्मीरी दोस्तों के यहाँ कई बार खाया है और यह रेसिपी मैंने उन्हीं से सीखी है। इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और इसमें बहुत ही कम मसालों की आवश्यकता होती है। तो मेरी प्रिय सहेलियों, मैं तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रो विद किचन में। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कश्मीरी पनीर बनाने से पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए मैंने करीब 300 ग्राम पनीर लिया है, 2 बड़े चम्मच सौंफ पाउडर लिया है, 1.5 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची जिसको मैंने कूट लिया है, कश्मीरी गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। जो मैं आपको बड़ी चम्मच बताती हूँ, ये बड़ी चम्मच ये होती है टेबल स्पून और छोटी चम्मच ये टी स्पून। अब मैं पनीर को कट कर लेती हूँ। कश्मीरी पनीर के लिए हमें बड़े बड़े पीसेस कट करने होते हैं। नॉर्मल जो पनीर हम बनाते हैं उसके छोटे पीस करते हैं, लेकिन कश्मीरी पनीर के बड़े पीस करने होते हैं। मैंने पनीर कट कर लिया है, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को कुकटॉप पर रख दिया है, कुकटॉप को ऑन कर दिया है और तेल भी गर्म हो गया है। और पनीर को गर्म करने के लिए हमें अच्छा गर्म तेल चाहिए। तेल में बबल्स आ रहे हैं, अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं। एक तरफ से पनीर फ्राई हो गया है और अब इनको पलट देते हैं। पनीर फ्राई हो गया है, मैं कुकटॉप को ऑफ कर देती हूँ और पनीर को प्लेट में निकाल देती हूँ। मैंने पनीर को फ्राई कर लिया है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है। कश्मीरी पनीर का पनीर फ्राई करने के लिए हमें एकदम गर्म तेल में इसको डाल के और बस निकाल लेना होता है। कश्मीरी पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल रहने दिया है। मैंने कुकटॉप को ऑन कर दिया है, अब पनीर के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तेल गर्म हो गया है और अब हम इसमें सबसे पहले लौंग डालेंगे, बड़ी इलायची और ये लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी मैंने बॉईल करके डाला है और अब सौंफ का पाउडर। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें पानी मैंने इसलिए डाला था ताकि मसाले जले ना, क्योंकि ये लाल मिर्च और वो मसाले जल्दी से जल जाते हैं। और कश्मीरी पनीर बनाने के लिए हमें प्याज, टमाटर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम सिर्फ लाल मिर्च और सौंफ के पाउडर का यूज़ करते हैं। अब हम इसमें ये गरम मसाला डाल देंगे और नमक। मसाला भुन गया है और इसमें से तेल भी निकलने लगा है। आप देख सकते हैं मसाले में से तेल अलग हो रहा है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी मैंने बॉईल कर लिया है क्योंकि मैं पकी हुई सब्जियों में पानी बॉईल करके ही डालती हूँ। टेम्परेचर मैंने लो कर रखा था, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ। अभी मैंने 1 कप पानी डाला था, इसमें अभी मैं पानी और डालूँगी। 1 कप पानी मैंने इसमें और डाल दिया, टोटल मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है। और आप देख सकते हैं अभी इसकी ग्रेवी पतली है। 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि अभी इसमें पनीर डालेंगे तो पनीर भी पानी को एब्जॉर्ब करेगा। पानी खोलने लगा है और अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं। मैंने इसमें पनीर डाल दिया है और अब हम पनीर को ग्रेवी में लगभग 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे और एक बार बीच में चेक करके देख लेंगे हम इसको। टेम्परेचर को मीडियम कर देंगे। 8 मिनट हो गए हैं, खोल कर चेक कर लेते हैं। देखिए एकदम बढ़िया कलर आया है इसमें, लेकिन ग्रेवी में अभी हमें थोड़ी सी पतली लग रही है, तो इसको 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं। अभी 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए एकदम बढ़िया ग्रेवी तैयार हुई है, सब्जी गाढ़ी भी हो गई है। इसमें जो हमने सौंफ का पाउडर डाला है उससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और ये ग्रेवी भी उसी की वजह से गाढ़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं इसमें ग्रेवी बिल्कुल अंदर तक चली गई है। और अब हम कुकटॉप को ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। आपको हो सकता है ग्रेवी अभी इसकी पतली लग रही हो, लेकिन ये अभी ठंडी होने पर थोड़ी और थिक हो जाएगी। 15 मिनट हो गए हैं और पनीर ठंडा भी हो गया है और आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आया है और ये अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इसे बाउल में निकाल देती हूँ। लीजिए हमारा कश्मीरी पनीर बनकर तैयार हो गया है। सौंफ और गरम मसाले की वजह से इसमें खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है।
और इसका स्वाद भी एकदम लाजवाब है। आप इसे पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप कश्मीरी पनीर जैसे मैंने बताया है उस तरह से बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगा, और कश्मीरी पनीर बनाने की यही सही रेसिपी है। अगर आप इसे किसी और तरीके से बनाएंगे तो आप कभी भी सही कश्मीरी पनीर का स्वाद नहीं जान पाएंगे। अगर आपने मेरी ग्रेवी मंचूरियन एंड वेज राइस की रेसिपी अब तक नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।